मैच आपने देख लिया, बांग्लादेश का मुकाबला, इंडिया इंडिया अगेन, दिस वर्ल्ड कप इज ऑल अबाउट इंडिया हैज वन द गेम। हार्दिक पांड्या क्रिटिकल पार्ट प्ले करता है आपका और आउट करके देता है आपका और बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास। पांड्या इज बैक। ये देखिए हार्दिक पांड्या की जो बैटिंग है, सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग बुरी नहीं है, लेकिन जो बैटिंग है वो दुनिया के टॉप ऑर्डर के तौर पे मेरे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो भी बैटिंग ऑर्डर है सबने देखा है, उन सबसे बेहतर बैट्समैन है हार्दिक पांड्या। मजा आया भाई, नागन दास, किंग फू पांड्या, किंग फू पांड्या, फू 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 फू। तो बेटा ये है तुम्हारे अब्बा जान। हार्दिक पांड्या जैसे बासित भाई बता रहे हैं कि इनके बॉलिंग लाइनअप में वीक लिंक लग रहा है, मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या को निकाल देना, इनके 11 बनाने बड़े मुश्किल है। हमारे पास स्किल्स नहीं है या हमें स्किल इस्तेमाल नहीं करना आता। देखिए हमने अभी तक, मुझे बताया ना कि अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फर्क खुद नजर आ जाएगा। जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना, कि आप हम ये बात हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है। बांग्लादेश को एक मिन्नू टीम की तरह मारा है, मिन्नू टीम की तरह, जैसे कोई बच्चा ने बच्चों वाली को टीम, और हम यूएसए से हार गए थे कि इंडिया के लिए बहुत इजी हो गया ये वर्ल्ड कप, और अब सिर्फ इंडिया को आगे सेमीफाइनल और फाइनल करना है, और उसके बाद इंडिया इस वर्ल्ड कप से बहुत नजदीक है। वेल डन इंडिया, इंडिया डिजर्व्स टू गो थ्रू दिस। मैं चाहता था बांग्लादेश लड़ते करते, लेकिन इंडिया बिकेम अ बेटर साइड, वन द गेम टुडे। पांड्या का मजाक आईपीएल पे, उसकी फैमिली, उसकी निजी जिंदगी, उसको बहुत कुछ बोल रहे थे, नजर आया हार्दिक पांड्या, नजर आया। बांग्लादेश को ले डूबे आज ये दोनों आखिरी की पार्टनरशिप डूबे, और पांड्या की, बांग्लादेश यहाँ पर प्रेशर से बाहर ही नहीं आ सका, उस पर बैटिंग का प्रेशर ही रहा इंडिया का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों इंडिया ने आज बांग्लादेश को सुपर 8 के दूसरे मरहले में हरा कर सेमीफाइनल में जगह बना लिया है एक तरीके से। और अगर बात किया जाए भारत की इस जीत को लेकर, तो पहले ही भारत ने 196 का मैसिव टारगेट बांग्लादेश के सामने रख दिया था, जिसमें हार्दिक पांड्या का एक कमाल का 50 हमको देखने को मिला, चौके छक्कों की बरसात, आखिर में 17 ओवर से लेकर 19 ओवर में उन्होंने कर दिए, 3 बड़े बड़े छक्के उनसे देखने को मिले। उसके बाद शुभम दुबे भी आज छक्के लगाते हुए नजर आए, ऋषभ पंत की भी बैटिंग अच्छी रही, उसके बाद रोहित शर्मा ने भी आज मतलब आउट हो गए, लेकिन उनसे भी मतलब बल्लेबाजी देखने को मिली, नहीं आज अच्छे बल्लेबाजी किया था। और बॉलिंग की साइड में आ जाए तो अर्शदीप सिंह, फिर बुमराह की बात करते तो क्या कहना, फिर हार्दिक पांड्या, सभी ने आज मिला जुला कर अच्छी बॉलिंग की, और बांग्लादेश को एक मैसिव टारगेट के आगे झुकना ही पड़ा और बांग्लादेश हार गया। तो इसको लेकर शोएब अख्तर समेत पूरी पाकिस्तान मीडिया जमकर तारीफ कर रहा है भारत की जीत की। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं बताऊंगा वीडियो के एंड पर। पांड्या इज बैक। ये देखिए हार्दिक पांड्या की जो बैटिंग है, सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग बुरी नहीं है, लेकिन जो बैटिंग है वो दुनिया के टॉप ऑर्डर के तौर पे मेरे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो भी बैटिंग ऑर्डर है सबने देखा है, उन सबसे बेहतर बैट्समैन है हार्दिक पांड्या। तो शिवम दुबे हैज डन एग्जैक्टली दैट, ओके सॉर्ट ऑफ इनिंग, यंगस्टर है, 196 रन में 5 लोग हैं, पांड्या तो है ही है, लेकिन पहले जो रोहित शर्मा ने विराट कोहली को रिलैक्स किया, 10 बॉलों पे 23 बनाया, फिर ऋषभ पंत फुल जोबन पर आज नहीं थे लेकिन रन कर गए, और फिर आता है दुबे जिसने एक मोमेंटम वापस से शिफ्ट किया, जो इंडिया की बारी थोड़ी सी लड़खड़ाई थी और थोड़ी सी झोल खाई थी, और फिर हार्दिक पांड्या को तो आप प्लेटफॉर्म देंगे अगर इतनी देर वो नहीं छोड़े। जितनी देर में पांड्या सेट होना था उतनी देर दुबे ने मारा, उसके बाद पांड्या ने मारा 27 पे 50 यार। अब पांड्या ने तो अपनी गर्मी प्रूव करनी है अब, क्योंकि वो पांड्या बहुत ठंड मचा कर आया है, अगर आप देखे 1.5 साल में सारे ड्रामे पूरे हो चुके हैं, मगर पांड्या ने अब गर्मी दिखा दी है अपनी, और पांड्या की ही गर्मी काम आई है। जो छक्का विराट ने मारा है देखा, जो रोहित स्टैंड लेता है इस तरह से स्टैंड लेते हुए देखा किसी को, तो आज उसके जो 34 रन है ना भाई, उन 34 को नहीं देखो, वो जो 27 पे पांड्या ने 50 मारे है ना, वो चेक करो। बांग्लादेश यहाँ पर प्रेशर से बाहर ही नहीं आ सका, उस पर बैटिंग का प्रेशर ही रहा इंडिया का। बांग्लादेश को ले डूबे आज ये दोनों आखिरी की पार्टनरशिप डूबे, और पांड्या की ऐसा लग रहा था कोहली ने 3 छक्के मार दिए, पता नहीं क्यों मारता है, मैं तो कह रहा हूँ गलत करता है यार, मारना ही नहीं चाहिए लोगों को, कंटेंट दो, फेल हो तुम 24 पे 24, कोहली मारेगा ऑस्ट्रेलिया को, और अगर वो मैच सेंट लूसिया में मारेगा वो ऑस्ट्रेलिया को। पांड्या दिखा रहा है बहुत हार्दिक पांड्या का मजाक आईपीएल पे, उसकी फैमिली, उसकी निजी जिंदगी, उसको बहुत कुछ बोल रहे थे, नजर आया हार्दिक पांड्या, नजर आया हार्दिक पांड्या, क्या बुला है, हाय 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 हाय, क्या छक्के, तंजीम बड़ा उछल रहा था, विराट बार बार निकल के मार रहा था, और रोहित नजर आ छक्का चौका आसमान पे चढ़ा दिया, बड़े खुश थे, मजा आया भाई, नागन दास, किंग फू पांड्या, किंग फू पांड्या, फू 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 फू।
तो बेटा ये है तुम्हारे अब्बा जान। रशीद का छक्का है, बड़ी एग्रेशन दिखा रहा था, अगली बॉल पे बोल्ड भी किया, हार्दिक पांड्या ने फिर छक्का लगाया, 15 रन का ओवर आया, तो मजा आया। इंडिया इज गोइंग ग्रेट। पंत आउट हो गया, कोई मसला नहीं, हार्दिक पांड्या आ गया, दुबे आ गया, और दोनों ने आगे चंगी धुलाई की है बांग्लादेश की। और पहले तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि रोहित शर्मा ने क्या आगाज किया, रोहित शर्मा ने तोड़ तोड़ खेला, 11 गेंदों पे 23 रन, ना इधर देखा ना उधर देखा, और अग्रेसिव इंटेंट के साथ पावर प्ले को यूटिलाइज किया। फिर विराट ने भी बड़ा कमाल किया, उन्होंने भी विराट ने भी आज कमाल किस्म के 3 छक्के मारे हैं, बड़ी इंटरटेनमेंट वाली विराट की भी इनिंग थी। पांड्या ने आखिर में किया 3 छक्के 4 चौके और कमाल किस्म का 50 रन कंप्लीट किया। कंग फू पांड्या बैक विद अ बैंग। वो बात हो रही थी ना कि आईपीएल में रन नहीं बना रहे, आईपीएल में फॉर्म किधर है, ये फ्लाड़ा है ढिमकाड़ा है, तो भाई वो सब चीज खत्म कर दी और हार्दिक पांड्या ने दबंग किस्म की एंट्री मारी है और तमाम हेटर्स को करारा किस्म का जवाब दिया। छा गया भाई कंग फू पांड्या, द हार्दिक पांड्या जवाब खेला हार्दिक पांड्या। इंडिया ऑफिशियली T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और पहली टीम बनेगा। इंडिया के लिए बहुत इजी हो गया ये वर्ल्ड कप और अब सिर्फ इंडिया को आगे सेमीफाइनल और फाइनल करना है और उसके बाद इंडिया इस वर्ल्ड कप से बहुत नजदीक है। और क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को, अगर हम बार बार बाबर आजम और रोहित शर्मा की कप्तानी को एनालाइज करते हैं तो ये फर्क है बाबर की कप्तानी में, ये फर्क है रोहित शर्मा की कप्तानी में, पॉजिटिव इंटेंट का। रोहित अपने लिए रन नहीं बनाता, आज उसने खाली 23 रन बनाए लेकिन क्या इंटेंट से खेला है, 210 के स्ट्राइक रेट से खेला है अपनी टीम के लिए। क्या बाबर आजम इस इंटेंट से खेले हैं, 120 रन रिक्वायर्ड था इंडिया के अगेंस्ट, क्या बाबर आजम की वो इंटेंट नजर आ रही थी, लेकिन रोहित शर्मा अपने नहीं खेल रहे। तेरी अपनी परफॉर्मेंसेस कहां है, तू कब परफॉर्म करेगा भाई, तू कब इंडिया के खिलाफ हमें जितवाएगा, तू कब छोटी छोटी टीमों के खिलाफ हमें जितवाएगा, एशिया कप में और नेपाल आगे तो आपके रन आगे। रोहित शर्मा की अगर आप इंटेंट देखो, वो पावर प्ले जीतने के लिए आया है, वो पावर प्ले को इंडिया को जितवाने के लिए आया है भाई, पावर प्ले में अच्छी इंटेंट दिखाऊंगा और बांग्लादेश को एक मिन्नू टीम की तरह मारा है, मिन्नू टीम की तरह, जैसे कोई बच्चे बच्चों वाली को टीम हो और हम यूएसए से हार गए थे। हमारे पास स्किल्स नहीं है या हमें स्किल इस्तेमाल नहीं करना आता। देखिए हमने अभी तक मुझे बताया ना, अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फर्क खुद नजर आ जाएगा। आप 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, they've been playing from last 5-6 good years, लेकिन हमें उस तरह की इंप्रूवमेंट, दे आर एक्सेप्शनल बॉलर्स, गुड बॉलर्स, बट उस तरह की इंप्रूवमेंट हमें नजर नहीं आई। जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना, कि अब हम ये बात हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है। तो वो बुमराह आए, उनको पता था कि पहले ओवर में उसका पैटर्न क्या रहा है, 2 बॉलों के बाद उसने शदीक के अगेंस्ट भी अटैक किया, तो बुमराह ने दूसरा बॉल आते ही स्लो कर दिया। सो इसको कहते हैं प्रोएक्टिवनेस, कि आपको बैट्समैन का पता होता है, बैट्समैन से पहले आप रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल में बुमराह को बाकी बॉलरों से मुनफरिद करती हैं, क्योंकि उनके पास हर, और अगर वो डेथ बॉलिंग की आप बात करें, उनको यॉर्कर मारने, एक्सेप्शनल यॉर्कर मारते हैं, स्लो वन करना हो, स्लो बाउंसर करना हो, उनको हर चीज आती है। प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, डेथ बॉलिंग इज ऑलवेज अबाउट कि आपने अनप्रिडिक्टेबल रहना है, बैट्समैन को पता नहीं होना चाहिए कि आप कौन सा बॉल करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें वो बुमराह में आप देखेंगे तो आपको क्लियरली, उनकी अगर आप पावर प्ले की बॉलिंग देखें, उनके लाइन और लेंथ का कंट्रोल देखें, वो कभी मुंह में बॉल नहीं करेंगे, अच्छी लेंथ पे आउट स्विंग इन स्विंग अगर उन्होंने करना है, स्विंग ऑफर नहीं हो रहा तो फौरन प्लान बी पे स्विच कर जाते हैं वो, कि यार यहाँ पे मैंने स्लो वन करने हैं, या आप यॉर्कर शुरू में करना शुरू कर देते हैं। बुमराह की इकोनॉमी का क्या कहना, 3.4 और सिंपली क्लास जुमला बोल देता हूँ, बूम बूम बुमराह, हाँ ब्रिलियंट बुमराह है ना। बुमराह का एक्शन ऐसा है कि जिसको खेलना, वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी एक गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। कामरान क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग? और मेरे ख्याल से बुमराह तो एग्जाम्पल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं क्लास मैच विनर बॉलर, उसके साथ जो हर्षदीप सिंह बॉलिंग कर रहा है, आप देखिए 10 विकेट हैं उसकी और जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, आप देखिए एक एंड पे सीनियर बॉलर कर रहा है, एक एंड पे हर्षदीप सिंह कर रहा है, तो वो आउट करके दे रहा है, तो अच्छी चीज है। जब से आया हुआ ये डे बाई डे बेहतर करता जा रहा है। फिर हार्दिक पांड्या, जैसे बासित भाई बता रहे हैं कि इनके बॉलिंग लाइनअप में वीक लिंक लग रहा है, मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या को निकाल देना, इनके 11 बनाने बड़े मुश्किल है, मैच विनर चेंज हो सकते हैं,
तो इसलिए मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या के बगैर ये पूरे चार ओवर करने वाला जबरदस्त मैच विनर ऑलराउंडर। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि भारत की धमाकेदार जीत को लेकर कैसे पाकिस्तान मीडिया जमकर तारीफ कर रहा था भारत की, और बनता भी है क्योंकि आज टारगेट भी भारत ने ऐसा बनाया था कि भाई 196 200 पार कर जाता, मतलब अगर थोड़ा बहुत बैटिंग जो शिवम दुबे और कोहली से थोड़ा बहुत एग्रेसिव और एग्रेसिव बल्लेबाजी देखने को मिलता तो आसानी से भारत ये 200 पार कर जाता। लेकिन जिस जो रफ्तार के साथ ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या खेले, मतलब वाकई काबिले तारीफ है। ये दोनों रुकने का नाम नहीं दे रहे हैं। ऋषभ पंत तो मारे ही जा रहे हैं इस T20 वर्ल्ड कप में, और हार्दिक पांड्या के भी बल्ला भी चल रहा है, बल्ला के चाल चल गेंदबाजी भी वो अच्छे कर रहे हैं, तो पांड्या का तो भाई सोने चांदी हो रहा है इस T20 वर्ल्ड कप में। और इसके बाद अगर बुमराह की बात किया जाए तो क्या ही कहना, बुमराह जिस तरीके से इस T20 मतलब हर वर्ल्ड कप में बुमराह का नाम रहता है, ऐसा नहीं कि T20 वर्ल्ड कप सिर्फ, हर वर्ल्ड कप में बुमराह नंबर वन बॉलर रहते हैं। इस वर्ल्ड कप में मुझे लग रहा है कि भाई बुमराह जैसा बॉलिंग कोई नहीं कर पाएगा, जो इकोनॉमी में बॉलिंग करते हैं भाई मानना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए। भारत की इस जीत को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।